हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर, रोथर जेलिसिस बाय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। तो हम बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की। सो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी स्थित है। कहीं ना कहीं इसका पहले अगर हम नाम देखें तो आईसेट इसका नाम था, AISETT, राइट, इसके नाम से इसको जानते थे। लेकिन बाद में जब ये 2010 में स्टेब्लिश हुई थी ये, तब इसका नाम ये था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, राइट। आईसेट का आपने काफी सुना होगा इसके बारे में, स्किल इंडिया और इन तमाम चीजों से रिलेटेड था कुछ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें गड़बड़ भी हुई, मे बी रीजन जो भी हो नाम चेंज करने का, लेकिन बाद में इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी हो गया। अब ये है कहां कॉलेज, अगर हम बात करें तो भोपाल में, लेकिन भोपाल से आउटसाइड है, राइट। मेंदुआ गांव आता है वहां पर ये है, कहीं ना कहीं भोजपुर अगर आपने सुना हो तो रायसेन रोड भोजपुर के बीच में, मेंदुआ गांव मैंने ऑलरेडी बना दिया। अब यहां कोर्सेज की बात करें तो देखो एक यूनिवर्सिटी है, मैंने बताया कि 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो यहां पर कोर्स आपको सारे मिल जाएंगे। मतलब ये आपको बीएससी भी करा देंगे, बीकॉम भी करा देंगे, राइट, बीए भी करा देंगे, तो आप जो करना चाहोगे वो यहां से कर सकते हो, राइट। इंजीनियरिंग भी यहां पर हो जाएगी, और इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 80,000 मान लीजिए फीस है या 60,000 फीस है, तो यहां पर कई बच्चों की जो फीस है वो 25,000, 30,000, 20,000 इस तरीके से फीस है उनकी, राइट। सो जो जैसा हो गया, अलग अलग फीस अलग अलग बच्चों की, जो जैसा मिल गया उस तरीके से फीस है। तो आप समझ गए हो कि कोर्सेज आपको सारे मिल रहे हैं, राइट, इसके साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड है। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों की, जो स्टूडेंट है, ज्यादातर देखोगे आप क्रीम क्राउड नहीं मिलेगा। क्रीम क्राउड आपको वो मिलेगा जो यहां पर नॉन अटेंडिंग कॉलेज चाहता है। क्या चाहता है? नॉन अटेंडिंग। अब ये कई लोगों को मिर्ची लगने वाली है जो इस कॉलेज के होंगे, खास तौर से उन्हें ये मिर्ची लगेगी, लेकिन मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट से हम यहाँ रिव्यू लेते हैं। सो नॉन अटेंडिंग का सेंस ये है कि रेगुलर बच्चे यहां पर बहुत कम मिलेंगे, और जो रेगुलर आते हैं वो बाहर के होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे इसका तो यहां मध्य प्रदेश में कहीं पर भी इसका नाम ज्यादा आप नहीं सुनाई देते, हां बाहर जरूर इसका नाम चलता है क्योंकि प्रमोशन किया जाता है। जब लोग बाहर से आते हैं तो उनको पता नहीं होता है, लेकिन अगर हम एमपी की बात करें या लोकल भोपाल की बात करें तो इस कॉलेज की कहीं गिनती नहीं होती है। अगर हम टॉप 10 में करें बिल्कुल भी नहीं होती, टॉप 10 उस सिटी के कॉलेज की भी बात करें तो नहीं होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो टॉप 500 में भी यह कॉलेज नहीं आता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो टॉप 9000 की रैंकिंग में भी ये कॉलेज कहीं नहीं आता है, राइट। जैसे मैंने बताया टॉप 500 में भी नहीं आता है, और ये 500 मतलब टोटल 800 तो कॉलेज है और उसमें भी 500 में नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें टॉप उस सिटी की बात करें, पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश में भी अगर आप बात करोगे टॉप 50 में भी ये कॉलेज नहीं आता है। अगर हम बात करें यहां पर उस सिटी की तो टॉप 10 में भी सिटी में ये कॉलेज नहीं आता है। चलिए ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट इस कॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब प्लस पॉइंट क्या है? देखो मैंने पहली चीज आपको बताई थी, यहां पर प्लस पॉइंट क्या है, एक तो है आपको मिल रहा है नॉन अटेंडिंग, राइट, और कई चीजों में फीस काफी लो है, बार्गिंग हो जाती है, फीस कम यहां पर हो जाती है, तो फीस लो है कई कोर्सेज में। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो कि यार चलो ठीक है मेरा यहां से बीकॉम हो जाए, बीएससी हो जाए, बीबीए हो जाए, राइट, तो रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा नॉन अटेंडिंग में, राइट। यहां पर अगर हम बात करें कि ज्यादातर बच्चे अगर हम देखें तो 100 बच्चों में से 99% बच्चे यहां पर पास हो जाते हैं, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ओके, सो यहां पर ये एक बेनिफिट है। अगर हम बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा आउट जरूर है, लेकिन आप क्या है रेगुलर तो जा नहीं रहे कॉलेज, रेगुलर आप ना जाने के लिए ले रहे हो, सो आउटसाइड है नो डाउट वहां पर, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं जाओगे तो बिल्कुल भोपाल से आउटसाइड पड़ेगा, मेंदुआ गांव जैसे मैंने बताया, रायसेन रोड भोजपुर रोड जो भी जानता हो इसके बारे में। ओके, सो ये तो हो गया। चलो यार ये कॉलेज कैसा है, अच्छा है बुरा है,
क्या क्या कोर्स बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बीयू की बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, सो जैसे कि पहले इसका नाम था आईसेट यूनिवर्सिटी, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, तो चौबे साहब इसके वाइस चांसलर थे, राइट। सो आईसेट का नाम आपने काफी सुना भी होगा, राइट, इसलिए सुना होगा क्योंकि न्यू स्किल्स इंडिया के तहत इन्होंने आईसेट शुरुआत की थी और फिर किस तरीके से उन्होंने अलग अलग जगहों पर करा। सो मे बी विवेक बिंद्रा की भी वीडियो अगर आपने देखी हो तो आप समझ गए होंगे। ओके, सो कंक्लूड करते हैं हम यहां से। देखो यार, सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और एमबीए, एमबीए जैसे कोर्स यहां पर कर सकते हो। शुरू शुरू में इस कॉलेज ने कुछ बहुत अच्छा किया था, इन्होंने नाइजीरिया घाना साइड से जो थे स्पेशली कुछ फॉरेनर को लेकर आए थे, क्योंकि देखिए यहां पर उन लोगों को इतना सारी चीजें नहीं पता होती है, राइट। सो यहां का एक प्लस पॉइंट था शुरू शुरू में। अगर हमने बताया था कि एमपी में इसका हम नाम नहीं लेते हैं, वही अगर आप देखो बिहार में इसका थोड़ा बहुत नाम मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा, तो बिहार से स्टूडेंट आते हैं, और अगर आप देखोगे तो बाहर से जहां जहां ये मार्केटिंग करता है वहां से ये पर्टिकुलर आ जाते हैं। ज्यादातर जो लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनका मकसद विजन एक ही होता है, टू गेट डिग्री और किसी तरह से उसको पास कर लेना है या किसी तरह से उसको पाना। अगर हम क्रीम क्राउड की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों से नहीं पूछा गया, 10 लोगों से पूछा गया, उनका मिला जुला ये। और थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप एडमिशन ले, फीस आपकी देखिएगा बीच में बड़े नहीं, फिक्स होना चाहिए, इट शुड बी इन रिटर्न और समथिंग। फीस की क्लियर बात करें, यहाँ पर फाइन साइन का आप देखिएगा, जो बताया गया है कि फाइन साइन के लिए बार बार किया जाता है या बार बार बुलाया जाता है किसी काम के लिए, तो ये सारी चीजें आपको देखना है। बाकी हमने ओवरऑल इसका व्यू आपको दे दिया है, बट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन से देखो, अगर आप बात करोगे कि यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं है, तो ऑब्वियसली ये है, जब ही तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चल रहा है, तो एक प्लस पॉइंट है कि अप्रूवल है इस कॉलेज के साथ। लेकिन डिपेंड भी करता है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप मान लो फार्मेसी कर रहे हो या क्या करना चाहते हो, तो फार्मेसी के लिए अलग अप्रूवल होता है, इंजीनियरिंग के लिए अलग अप्रूवल होता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें इसको करना है, तो ये प्लस पॉइंट तो है। और यहाँ पर अगर देखिए ओवरऑल की बात करें, सो इट कैन बी द गुड डिसीजन फॉर दोस, उनके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ कुछ करना चाह रहे हैं या फिर अपनी किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की या दूसरी चीजों की, और यहां से कर रहे हैं। बट अगर आप एक एक्सपोजर चाहते हो, एक कल्चर चाहते हो, आप सोच रहे हो कॉलेज लाइफ आपको मिलेगी, तो वो यहां पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर आपकी क्लास में वहां पर 50 स्टूडेंट है तो वहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि 30-40 मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सो आई होप आप समझे होगे सारी चीजें। इसके बाद भी कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करिएगा नीचे, एंड इसके अलावा और किसी पर वीडियो बनाना चाहते हो, राइट, तो उस पर भी कमेंट करिए। अब बाकी मैंने काफी चीजें तो अभी आपको बताई नहीं जो स्टूडेंट द्वारा, चलो ठीक है, इसके कई चाहने वाले हैं, उनको भी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, बट यहां समझदार को इशारा काफी, तो हमारी ऑडियंस काफी समझदार है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहना है हमारे साथ, कुछ भी पूछना है बेझिझक पूछिए, पूछिए हक से। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी नीचे दिया गया है, अगर आपको वही पूछ रहा है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।